बिहार के नए डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी प्रसाद यादव खास बातचीत के लिए ईटीवी के साथ मौजूद हैं। तेजस्वी जी, पहले जो आपको बहुत बहुत बधाई, आप दोबारा बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हैं, आपकी जो प्रायोरिटीज क्या होंगी? प्रायोरिटीज नई सरकार बनी है, सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का जो निर्णय लिया है, हम लोग सब लोगों ने स्वागत किया, समर्थन किया और मजबूती के साथ मिलकर के काम करेंगे। और प्रायोरिटीज पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने का होगा, जहाँ जिस मुद्दे को हम लोग लेकर के चले थे वो तो है, लेकिन ऑलराउंड डेवलपमेंट, गति आए, रिजल्ट्स निकले, समस्या का समाधान हो, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। बिहार के लोग ये जानना चाहते हैं कि ये अचानक से ये बिहार का जो घटनाक्रम कैसे बदला? अब बदला वो तो सब लोगों ने देखा और आप लोग तो 24 आवर्स रिपोर्टिंग कर ही रहे थे, किसी से छुपा नहीं है। भाजपा के लोगों का काम करने का तरीका आप लोग सब लोग जानते हैं, काम करने कहाँ लेते हैं। नीतीश कुमार जी पर भारी दबाव था, उनके पार्टी को तोड़ने की साजिश थी, उन्होंने बताया सारी बात और देश के हालात को देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया, ये घटनाक्रम है। तो ये जो घटनाक्रम बदला, तो ये जाहिर सी बात है कि पहले नीतीश जी ने आप लोगों को अप्रोच किया, तो जब अप्रोच किया, आप एक बात समझिए, जो हुआ सबके सामने हुआ, उनकी बैठक हुई, हमारी बैठक हुई, राजभवन गए, राजभवन से हमारे यहाँ आए, हम उनके यहाँ गए, फिर राजभवन गए, यही घटनाक्रम। ये तो जानिए ना, तो आप इसमें क्या जानना चाहते हैं? भाजपा के जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि हम लोगों ने कोई धोखा नहीं दिया और ना नीतीश जी की पार्टी को तोड़ने की कभी उन्होंने कोशिश की, और उन्होंने नीतीश जी पर आरोप लगाया कि भाई क्या छोड़कर आ पाए थे। वो भाजपा वाले बड़का जूता पार्टी है, और कुछ हमको कहना ही नहीं, क्या कहें उन लोगों के बारे में, बिहार से तो विलुप्त होने वाले हैं लोग, क्या कहें। जब आप डिप्टी सीएम अब बन रहे हैं, तो पिछले बार भी कुछ ऐसे कार्य हैं जो नहीं आपने किए थे, जो उसको करना चाहेंगे? पिछले बार तो केवल 18 महीने ही मौका मिला और 18 महीने में कितनी उपलब्धियां थी वो सबको पता है, उससे कुछ छुपा नहीं। अब तो मिलकर के काम करना है, तो मजबूती के साथ काम करेंगे और जितना बल है, क्षमता है, उससे ज़्यादा कोशिश करेंगे। अब तो ये स्पष्ट है कि आप लोग 2024 और 25 में नीतीश जी के साथ ही लड़ेंगे। एक बात समझ लीजिए, ये असली गठबंधन है और महागठबंधन बनाने वाले दो ही शख्स हैं, आदरणीय नीतीश जी और आदरणीय गरीबों के मसीहा लालू जी, इन्होंने मिलकर बनाया। तो अच्छी बात है कि महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, उससे खुशी की बात क्या हो सकती है। लड़ाई जो है हम लोगों के सामने, जो चुनौती है बड़ी, लेकिन मिलकर के साथ रह करके चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चुनौती हो, इसका मुकाबला करेंगे। आपने जिस तरीके से नीतीश जी का पांचों का प्रणाम किया, फिर वो नीतीश जी आपसे गले मिले, कैसा महसूस हुआ? देखिए, एक शिष्टाचार है, और हमारे माता पिता ने तो यही संस्कार में दिया है कि जो बड़े हैं उनका इज्जत करना चाहिए, और एक नई पायरी, एक नई शुरुआत हम कर रहे हैं, तो ओथ में जाने से पहले हमने अपनी माँ का पैर सबसे पहले छुआ, क्योंकि हमारे पिता शारीरिक रूप से पटना में नहीं हैं, बीमार अवस्था में दिल्ली में हैं, तो वीडियो कॉल में ही उनसे आशीर्वाद लिए, और जिनके नेतृत्व में काम करना है, और हमारे पिता के साथी भी रहे, तो जाहिर सी बात है जब कोई नई पारी, नई शुरुआत हो, तो बड़ों का आशीर्वाद देना चाहिए। आपकी माता जी ने कहा कि आपकी जो पत्नी है वो काफ़ी भाग्यशाली हैं,
शादी होने के बाद आप दोबारा से डिप्टी सीएम बने, आपको ये लगता है? देखिए हम लोग इस पे क्या हम बोल रहे हैं, अब इस पे और कोई बोलता है तभी अच्छा लगता है। तेजस्वी जी हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने अपनी बातें रखी और हमारी उनकी शुभकामना है जिस तरीके से वो बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं दोबारा। कैमरा मैन अशोक के साथ अमित भलारी, ईटीवी भारत, पटना।